लेकिन स्टूडेंट ये एक पेस्टर आईसी है, दिखा रहा हूँ, ये एक ब्लैक पेस्टर आईसी है। यहाँ हम ब्लैक पेस्टर आईसी निकालने का तरीका बहुत अलग अलग है। यह जो हम इसे निकालेंगे, बेसिकली जो हमारे टूल्स होते हैं ब्लैक पेस्टर आईसी निकालने के, ये देखिए हम वो ये टूल यूज करते हैं। बेसिकली ये काइंडली का हमारा स्क्रैपर है, तो इससे हम यहाँ यहाँ इस तरह से क्लीन करके निकालते हैं। तो मैं आज आपको ये तरीका नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो आप सीखेंगे ही और कहीं भी हमारे यहाँ कहीं भी जाकर। आज मैं आपको बता रहा हूँ बिना पेस्ट निकाले किस तरीके से आईसी निकाले, और इसको सूटर तरीका बोलते हैं। सूटर बेसिकली आपको क्या करना है, ज्यादा टेम्परेचर पे काम करना है, ज्यादा एयर पे काम करना है, और इस आईसी को आपको निकालना है विदाउट ग्लू निकाले। तो किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ मैं बता दूँ, ये मेरा फोन जो है ये फुल शॉर्ट है, और ये फोन मेरा फुल शॉर्ट है, ठीक है। आप बीप की आवाज सुनिएगा, देखिए बीप की आवाज आ रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा फुल शॉर्ट है वो मेरी पावर आईसी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ लगाकर। अगर मैं इसको डीसी से कनेक्ट करूँ, देखिए मैंने माइनस डीसी से कनेक्ट कर दिया है, और पावर एसी में देखिएगा, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ये आईसी पूरा 5 एम्पियर खा रही है, ये आईसी पूरी अंदर से लीकेज हो चुकी है। तो इस आईसी को हम निकालेंगे किस तरीके से हम निकालते हैं, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो नोजल यूज करना है, देखिए जो मैं नोजल यूज कर रहा हूँ बहुत छोटा नोजल यूज करना है आपको, बहुत बारीक, ठीक है। आईसी के ऊपर स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से रखना है। टेम्परेचर आपको, और ब्लेड यूज कर सकते हैं, देखिए मैं ये ब्लेड यूज कर रहा हूँ आईसी को उठाने के लिए, ठीक है। थोड़ा तो सा इसको जूम करता हूँ, अब इसको हीट देना है 400 टेम्परेचर में सेट कर रहा हूँ, 400। और 100 एयर, और सीधे साइसी को कुछ देर तक देना आपको सीधा, ये देखिए वन शॉट ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाली है, देखिए सारा ग्लू यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, कोई भी पैड भी नहीं निकला, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी पैड भी नहीं निकला, सारा ग्लू यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। नोटिस कर रहे हैं आप, कोई भी पैड भी नहीं निकला, और देखिए मेरी शॉर्टिंग भी चली गई है, यहां पे मुझे रीडिंग आ रही है, यहां पर देखिए ये मेरी शॉर्टिंग चली गई है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, यहां पे मेरी शॉर्टिंग चली गई है। तो इस आईसी को लगाने का तरीका आपको तो पता ही होगा अगर आप टेलीकॉम से जुड़े हैं, क्योंकि हम तो ये बिल्कुल आपको सिखाते ही हैं। यहाँ पेस्टेड आईसी निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका बताया, आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। तो इसको सूटर तरीका बोलते हैं, आप इससे कोई सी भी आईसी निकाल सकते हैं, कोई सी का मतलब बड़ी सीपीयू नहीं निकालने है आपको, यूएमसी नहीं निकालनी है, छोटी छोटी पावर आईसी आप इससे निकाल सकते हो, छोटी छोटी चार्जिंग आईसी ब्लैक पेस्टेड आप इससे WTR पर ध्यान रख रहे हैं। सूटर तरीका एक ऐसा तरीका है जिसे एक बार निकाल देने पर आईसी खराब होने का एक खतरा रहता है कि आईसी वो डैमेज है, पर जनरली आईसी डैमेज ही थी इसलिए हमें निकाल दिया। अब बहुत टाइम लगाते हैं हम ग्लू काटते हैं,
और वो करते हैं तो ये बेसिकली इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3-4 सेकेंड, मेरे ख्याल से मेरे को 5 या 6 सेकेंड लगे होंगे। जनरली मैंने 6 सेकेंड सिर्फ यहाँ पर रखा और सिर्फ हल्का सा यहाँ पर यहाँ लगाया और उसको थोड़ा सा अपने आप उठाया तो वाइसी अपने आप उठ गई है। चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। ये है हमारे 28 फरवरी का बैच और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं ये वीडियो हमारा हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि हम दिखाते हैं कि 5 दिन में हमने कितना हमारे स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको रिवॉल्विंग आती है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप लोगों ने रिबोलिंग यहीं सीखी है कि यहीं सीखी आपने? ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं किस किस ने यहां पे लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगा के उसको चालू किया हुआ है यहां पे बताइए। आप सभी ने एक चालू हैंडसेट में सीपीयू निकाल के लगा के किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब मुझे वो बताइए कि किसने 2 बार से 3 बार से ज्यादा बार किया हुआ है, हाथ खड़े करके बताइए। एक बार अपने नंबर बताइए खड़े होकर जल्दी जल्दी। तीन है, दो बार नंबर बताइए खड़े होकर। तीन बार सर, दो बार, छह बार किया आपने? आपने सही में 6 बार किया है, फेक तो नहीं है? दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे बताइए। तीन बार किया आपने, तीन बार किया है, दो बार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, पीछे बताइए। एक बार किया है? 10 बार किया है तुमने पक्का यहाँ पर? सर मैंने 10 टाइम्स बार किया है। 7 बार किया। आप बताइए, आप में से जो आप लोग कह रहे हैं 2 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसा आप पहले करते थे क्या कभी? ये आप कहाँ आके सीखे हैं? एशिया टेलीकॉम में सीखे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम, मेरे साथ में है 28 जनवरी का बैच और ये कितने दिन का आउटपुट बना रहे हैं हम? पांच दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबोलिंग सीखी है बताइए। किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबोलिंग सीखी है? सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर, चलिए एक बार नंबर बताइएगा जिसने 1 से ज्यादा बार किया है बताइए, एक एक करके बताओ। दो बार, पांच बार बनाया, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। और यहाँ पर दो बार, आप फ्रेशर हैं? कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है यहाँ पे हाथ उठाइए। मतलब आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप लोगों ने यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ पे एक लाइव मोबाइल में सीपीयू निकाल के खुद रिबोलिंग की यहाँ पर और खुद प्रैक्टिकल किया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे, एशिया टेलीकॉम की जो लैब है वो इंडिया के सबसे बड़ी लैब है कि नहीं लैब है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ 5 दिन में हमने इसके अलावा क्या सीखा, कॉम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं बताऊँ कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं, एक एक पहला बताइए कितने टाइप के रजिस्टर्ड होते हैं? साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन, सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आज सबने। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने 1 से 2 से 1 ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने 4 बार किया, 5 बार किया, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने? 6 बार किया है, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड। 5 बार सर, 2 बार सर। इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। 2 बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबोलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबोलिंग आती है यहाँ पर? आप सबको रिबोलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप नीचे अगले, आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो।
कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार, 8 बार किया तुमने? 3 बार सर। 3 बार? 2 बार। 2 बार नंबर बोलते रहो। 2 बार सर। 2 बार नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर। 14 बार क्या बात कर रहे हो इतना? 2 बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है? बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार। 6 बार? 5 बार। 6 बार सर। 5 बार। 7 बार। 2 बार। बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 5 बार। 4 बार। 2 बार। 6 बार। 5 बार। 5 बार सर। 3 बार? 2 बार। 2 बार तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.